हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर का पार्ट 3। इसे पहले पार्ट में हमने आपको बताया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्लांट यूज्ड। एक्सप्लांट यूज मतलब कि हम प्लांट के कौन से पार्ट को या टिश्यू को कल्चर के लिए यूज़ करते हैं, तो उस पार्ट के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स के टिश्यू कल्चर होते हैं उसके बारे में हमने डिटेल बताया था इससे पहले के पार्ट्स में। और आज के इस पार्ट में हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ टिश्यू कल्चर ऑन द बेसिस ऑफ इन विट्रो ग्रोथ। इन विट्रो ग्रोथ मतलब कि हम उस प्लांट के पार्ट से या टिश्यू से उसको किस फॉर्म में उसको न्यूट्रिएंट मीडिया में ग्रो करवाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग प्लांट टिश्यू कल्चर के कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला है कैलस कल्चर और दूसरा होता है सस्पेंशन कल्चर। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कैलस कल्चर के बारे में बताएंगे, मीन्स कैलस को किस तरीके से ग्रोथ कराया जाता है, डेवलपमेंट कराया जाता है और उसके ग्रोथ को किस तरीके से मेंटेन किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि कैलस कल्चर है क्या। कैलस कल्चर में हम कैलस का ग्रोथ करवाते हैं, उसका डेवलपमेंट करवाया जाता है और उसके ग्रोथ को मेंटेन किया जाता है इन द आर्टिफिशियल सेमी सॉलिड न्यूट्रिएंट मीडिया अंडर द एसेप्टिक एंड कंट्रोल एनवायरनमेंट। एसेप्टिक एंड कंट्रोल एनवायरनमेंट मतलब क्या होता है। एसेप्टिक मतलब ऐसा एनवायरनमेंट जो कि कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, और कंट्रोल एनवायरनमेंट मतलब होता है प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर लाइट और प्रॉपर एरेशन में इस कैलस का ग्रोथ और डेवलपमेंट कराया जाता है इन द प्रॉपर सेमी सॉलिड न्यूट्रिएंट मीडिया। तो उसी को हम कैलस कल्चर कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैलस क्या होता है। क्या किया जाता है कैलस कल्चर में, प्लांट्स के पार्ट्स को लेते हैं, मीन्स उस पार्ट के स्मॉल पीसेस को लिया जाता है या स्मॉल पीसेस ऑफ टिश्यू को लेते हैं और उसको सेमी सॉलिड मीडियम में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और इस सेमी सॉलिड न्यूट्रिएंट मीडिया में इस प्लांट्स के पार्ट या प्लांट्स का जो टिश्यू है उसके जो सेल्स होते हैं डिवाइड होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं और मास ऑफ द सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसी मास ऑफ द सेल को हम कैलस कहते हैं। तो ये कैलस को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, कैलस इज द अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग पैरेन्काइमा सेल। तो उसी को कैलस कहा जाता है। तो आइए नेक्स्ट जानते हैं कि कैलस कल्चर क्यों क्यों जाता है। कैलस कल्चर में जो कैलस का प्रोडक्शन होता है उस कैलस पे हम शूट और रूट का डेवलपमेंट करते हैं, मीन्स कैलस कल्चर से हम प्लांट रीजनरेशन करते हैं, मीन्स प्लांट को रीजनरेट कराया जाता है। और दूसरा होता है कैलस कल्चर से हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। किस तरीके से किया जाता है, मेनली क्या किया जाता है, उस कैलस को लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडिया में ट्रांसफ़र किया जाता है। और उस कैलस को लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडिया में ट्रांसफ़र करने के बाद, क्योंकि ये जो कैलस होता है ये लूजली प्लैग्ड मास ऑफ द सेल होता है, तो उस न्यूट्रिएंट मीडिया में जब उसको शेक करते हैं, एजिटेट किया जाता है, तो ये जो कैलस जो है ईजिली ब्रेक हो जाता है इनटू द इंडिविजुअल सेल्स और द सेल एग्रीगेट्स। और इस जो सेल होता है, ये सेल एग्रीगेट्स होता है, जब इसका कल्चर करते हैं तो इससे क्या प्रोडक्शन होता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन होता है, मीन्स प्लांट्स के अंदर जो थेरेप्यूटिकली एक्टिव केमिकल्स होते हैं उसका प्रोडक्शन किया जाता है और उस न्यूट्रिएंट मीडिया से उसको आइसोलेट किया जाता है। तो कैलस कल्चर हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के प्रोडक्शन के लिए करते हैं और दूसरा प्लांट रीजनरेशन के लिए किया जाता है। तो हमने यहाँ पे कैलस कल्चर को डिफाइन किया है। कैलस कल्चर इज द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कैलस ऑन अ सॉलिडिफाइड न्यूट्रिएंट मीडिया। सॉलिडिफाइड न्यूट्रिएंट मीडिया मतलब कि उस न्यूट्रिएंट मीडिया को सॉलिडिफाई किया जाता है, सेमी सॉलिड बनाया जाता है बाय एडिंग अगार जो कि सॉलिडिफाइंग एजेंट है अंडर द एसेप्टिक कंडीशन एंड कंट्रोल एनवायरनमेंट। तो इसी को कैलस कल्चर कहते हैं। तो आइए अब नेक्स्ट जानते हैं कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं, मीन्स क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं कैलस को ग्रोथ करवाने के लिए, उसके ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है सिलेक्शन एंड कलेक्शन ऑफ एक्सप्लांट मटेरियल, मीन्स एक्सप्लांट मटेरियल को सिलेक्ट किया जाता है और कलेक्ट किया जाता है। एक्सप्लांट मटेरियल क्या होता है, एक्सप्लांट मटेरियल प्लांट का वो पार्ट होता है या टिश्यू होता है जिसको हम कल्चर के लिए यूज़ करते हैं, तो उसी को हम एक्सप्लांट मटेरियल कहते हैं। तो हमने यहाँ पे डायग्राम में बनाया हुआ है, ये जो प्लांट है इस प्लांट के स्पेसिफिक पार्ट या टिश्यू को सिलेक्ट करते हैं हम कैलस कल्चर के लिए। तो जैसे कि हम इस प्लांट से लीफ को सिलेक्ट किया जा सकता है या तो कैलस कल्चर के लिए स्टेम को या रूट को या अदर पार्ट को सिलेक्ट करते हैं, और उसको सिलेक्ट करने के बाद उसी पार्ट को यूज किया जाता है कैलस कल्चर के लिए, तो उसी को हम एक्सप्लांट मटेरियल कहते हैं। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल के लिए इस प्लांट से किस पार्ट को सिलेक्ट किया है, लीफ को सिलेक्ट किया है, तो ये लीफ क्या कहलाएगा, लीफ कहलाएगा एक्सप्लांट मटेरियल। तो इस एक्सप्लांट मटेरियल को सिलेक्ट किया जाता है और उस प्लांट से उसको अलग किया जाता है, मीन्स उसको कलेक्ट किया जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं एक्सप्लांट मटेरियल। तो उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट स्टेप होता है
सिलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडिया. क्या किया जाता है, न्यूट्रिएंट मीडिया का प्रिपरेशन करते हैं. न्यूट्रिएंट मीडिया का किस तरीके से प्रिपरेशन किया जाता है, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द एक्सप्लांट मटेरियल. मतलब कि जो हम एक्सप्लांट मटेरियल लिए हैं, मीन्स जो पार्ट ऑफ द प्लांट लिए हैं या टिश्यू लिए हैं, उस प्लांट का क्या नेचर है, मीन्स उस प्लांट के क्या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग जो है न्यूट्रिएंट मीडिया को प्रिपेयर किया जाता है. क्योंकि जो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के स्पीसीज होते हैं उसके डिफरेंट न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होते हैं, तो उस एक्सप्लांट मटेरियल जो प्लांट से लिए हैं उसके क्या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उस न्यूट्रिएंट मीडिया को प्रिपेयर किया जाता है. और उस न्यूट्रिएंट मीडिया में डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, उसको डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन में उसको ऐड किया जाता है फॉर दी कैलस कल्चर. तो क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं जिससे हम न्यूट्रिएंट मीडिया प्रिपेयर करते हैं, तो उसका वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड किया है इन द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर में. तो वो होते हैं इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, कार्बन सोर्स होते हैं जैसे कि सुक्रोज, उसके बाद प्लांट हार्मोन्स ऐड किए जाते हैं, विटामिन और अमीनो एसिड्स ऐड किए जाते हैं उस न्यूट्रिएंट मीडिया में इन डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन. तो मोस्ट कॉमन जो न्यूट्रिएंट मीडिया जो यूज़ किया जाता है कैलस कल्चर के लिए वो है MS मीडिया, जिसका फुल फॉर्म होता है म्यूरेशिक एंड स्कूग मीडिया. तो क्या किया जाता है, डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं उसको डिस्टिल्ड वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, और इस न्यूट्रिएंट मीडिया को यूज़ करने से पहले उसको स्टरलाइज किया जाता है. किस तरीके से, बाय ऑटोक्लेविंग, मीन्स इस न्यूट्रिएंट मीडिया को ऑटोक्लेव किया जाता है एट 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15-20 मिनट्स. और इस स्टरलाइज्ड न्यूट्रिएंट मीडिया को यूज़ किया जाता है कैलस कल्चर के लिए या कह सकते हैं टिश्यू कल्चर के लिए. तो आइए इसके बाद नेक्स्ट जानते हैं. नेक्स्ट स्टेप होता है सरफेस स्टरलाइजेशन ऑफ एक्सप्लांट मटेरियल, मीन्स जो एक्सप्लांट मटेरियल हम जो सिलेक्ट किए थे, जो कलेक्ट किए थे, उसका सरफेस स्टरलाइजेशन किया जाता है. तो नेक्स्ट स्टेप है सरफेस स्टरलाइजेशन. तो क्या किया जाता है, जो ये एक्सप्लांट मटेरियल लिए हैं उसके सरफेस में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कम्प्लीटली रिमूव किया जाता है, कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाया जाता है उस एक्सप्लांट के सरफेस को, तो उसी को हम सरफेस स्टरलाइजेशन कहते हैं. तो क्या होता है सरफेस स्टरलाइजेशन, सरफेस स्टरलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच वी किल द माइक्रोबियल कंटेमिनेंट्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द एक्सप्लांट मटेरियल बाय यूजिंग डिफरेंट केमिकल एजेंट्स, देन इट इज कॉल्ड सरफेस स्टरलाइजेशन. तो यहाँ पे हमने एक्सप्लांट मटेरियल क्या लिया था, लीफ लिया था. तो लीफ जो कि एक्सप्लांट मटेरियल, तो इसके सरफेस में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उसको रिमूव किया जाता है कम्प्लीटली. तो किस तरीके से किया जाता है, इस लीफ को लेते हैं, एक्सप्लांट मटेरियल को लिया जाता है और उसको वॉश किया जाता है टैप वाटर से, और उसके बाद अगर उस लीफ में या एक्सप्लांट मटेरियल में कोई वैक्सी सब्सटेंस है तो उसको वेटिंग एजेंट मीन्स डिटर्जेंट में उसको वॉश किया जाता है, जैसे कि 280 हो गया. फिर उसको इथाइल अल्कोहल में डिप किया जाता है, इथाइल अल्कोहल से ट्रीट किया जाता है, और उसके बाद हम केमिकल स्टरलाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं, मीन्स ऐसे केमिकल जिसको स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है. तो उस केमिकल में ये जो एक्सप्लांट मटेरियल है उसको डिप करके रखा जाता है कुछ देर के लिए, जैसे कि मर्क्यूरिक क्लोराइड हो गया, सोडियम हाइपोक्लोराइड हो गया. तो इन केमिकल्स में इस एक्सप्लांट मटेरियल को डिप करते हैं फॉर द केमिकल स्टरलाइजेशन, और उसके बाद इस एक्सप्लांट मटेरियल को उस केमिकल से रिमूव किया जाता है और उसको अगेन जो है स्टरलाइज डिस्टिल्ड वाटर से उसको वॉश किया जाता है. तो इस तरीके से एक्सप्लांट मटेरियल को क्या किया जाता है, सरफेस स्टरलाइज किया जाता है. उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है कैलस कल्चर का, वो है प्रिपरेशन ऑफ एक्सप्लांट फ्रॉम द सरफेस स्टरलाइज्ड एक्सप्लांट मटेरियल. तो क्या किया जाता है, जो भी सरफेस स्टरलाइज्ड एक्सप्लांट मटेरियल लिए हैं, मीन्स जो पार्ट ऑफ द प्लांट लिए हैं जिसको हम सरफेस स्टरलाइज कर चुके हैं, उसको क्या किया जाता है, उसको स्मॉल पीसेस में कट कर दिया जाता है. और ये जो स्मॉल पीसेस होते हैं उस प्लांट के पार्ट का या टिश्यू का, उसी स्मॉल पीसेस को हम एक्सप्लांट बोलते हैं, और इसी एक्सप्लांट को यूज़ किया जाता है कल्चर के लिए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कैलस. तो हमने यहाँ पे एग्जांपल के लिए क्या लिया था, लीफ लिया था, जिसका सरफेस स्टरलाइजेशन करने के बाद क्या करते हैं इसको स्टराइल नाइफ या फॉर्सेप्स से क्या किया जाता है, उसको स्मॉल पीसेस में कट किया जाता है अंडर द एसेप्टिक कंडीशन, और इसी स्मॉल पीसेस को फिर एक्सप्लांट कहा जाता है. तो ये हो गया. इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है इनोकुलेशन और ट्रांसफर ऑफ द एक्सप्लांट.
तो क्या करते हैं, इनोकुलेशन मतलब क्या होता है, जो एक्सप्लांट हमने जो प्रिपेयर किया है उस एक्सप्लांट को एसेप्टिकली ट्रांसफर करते हैं इन टू द सेमी सॉलिड न्यूट्रिएंट मीडिया, तो उसी को क्या कहते हैं हम, इनोकुलेशन। तो यहाँ पे जो हमने एक्सप्लांट प्रिपेयर किया था, इस एक्सप्लांट को क्या करते हैं, इस एक्सप्लांट को ये जो सेमी सॉलिड न्यूट्रिएंट मीडिया है, इस सेमी सॉलिड न्यूट्रिएंट मीडिया में फॉर्सेप की मदद से एसेप्टिक कंडीशन में उसको ट्रांसफर करते हैं, मींस प्लेस किया जाता है और जेंटली प्रेस किया जाता है इन टू दिस सेमी सॉलिड न्यूट्रिएंट मीडिया। तो इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इनोकुलेशन। तो क्या करते हैं, ये जो हम लेमिनार एयर फ्लो कैबिनेट है, जिस लेमिनार एयर फ्लो कैबिनेट में जो हम स्टरलाइज्ड जो न्यूट्रिएंट मीडिया है, इस स्टरलाइज्ड न्यूट्रिएंट मीडिया को क्या किया जाता है, इसको ट्रांसफर किया जाता है इनटू द कल्चर फ्लास्क। कल्चर फ्लास्क मतलब कि जिसमें हमको कल्चर करना है। तो क्या किया जाता है, वो जो स्टरलाइज्ड न्यूट्रिएंट मीडिया जो हम प्रिपेयर किए हैं बाय द ऑटोक्लेविंग, उस स्टरलाइज्ड न्यूट्रिएंट मीडिया को लेमिनार एयर फ्लो कैबिनेट में लाया जाता है और उसको एसेप्टिकली ट्रांसफर किया जाता है, किसमें किया जाता है, इनटू द कल्चर फ्लास्क। तो इस न्यूट्रिएंट मीडिया का स्पेसिफिक अमाउंट जो है कल्चर फ्लास्क में ट्रांसफर किया जाता है एसेप्टिकली, और उसके बाद रूम टेम्परेचर में ठंडा होने के लिए उसको रख दिया जाता है। और रूम टेम्परेचर में ठंडा होने पे, क्योंकि इस न्यूट्रिएंट मीडिया में अगार प्रेजेंट होता है, तो ठंडा होने पे ये जो लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडिया है ये सेमी सॉलिड न्यूट्रिएंट मीडिया में कन्वर्ट हो जाता है। और सेमी सॉलिड न्यूट्रिएंट मीडिया में कन्वर्ट होने के बाद इस एक्सप्लांट को फिर एसेप्टिकली ट्रांसफर किया जाता है इन दिस सेमी सॉलिड न्यूट्रिएंट मीडिया, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज इनोकुलेशन। और उसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो है इंक्यूबेशन ऑफ कल्चर। इंक्यूबेशन ऑफ कल्चर मतलब क्या होता है, इंक्यूबेशन ऑफ कल्चर में क्या किया जाता है, ये जो कल्चर फ्लास्क है जिसमें हमने सेमी सॉलिड न्यूट्रिएंट मीडिया में एक्सप्लांट को ट्रांसफर किया था एसेप्टिकली, तो इस एक्सप्लांट के प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या किया जाता है, मीन्स इस एक्सप्लांट से कैलस को प्रोड्यूस, कैलस को डेवलप कराने के लिए क्या किया जाता है, इस कल्चर फ्लास्क को प्रॉपर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रख दिया जाता है। प्रॉपर कंट्रोल एनवायरनमेंट में मतलब प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर लाइट में इस कल्चर फ्लास्क रखते हैं ताकि इस एक्सप्लांट से कैलस प्रोड्यूस हो सके, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन। तो क्या किया जाता है, इंक्यूबेशन के लिए इस कल्चर फ्लास्क को इंक्यूबेटर में रख दिया जाता है, जैसे कि बीओडी इंक्यूबेटर, और इस इंक्यूबेटर में टेम्परेचर और लाइट को कंट्रोल किया जाता है और एसेप्टिक कंडीशन में ये एक्सप्लांट जो है कैलस में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या होता है, ये जो एक्सप्लांट है, ये एक्सप्लांट का जो सेल होता है, ये एक्सप्लांट के सेल जो है इस न्यूट्रिएंट मीडिया के न्यूट्रिएंट को यूटिलाइज करता है और ये जो एक्सप्लांट का सेल ग्रो होता है, मल्टीप्लाई होता है और कन्वर्ट होता है इनटू द मास ऑफ द सेल, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कैलस। मींस ये जो एक्सप्लांट है आफ्टर इंक्यूबेशन कुछ हफ्तों के बाद मास ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, कैलस। तो इस तरीके से हम कैलस का डेवलपमेंट करवाते हैं फ्रॉम द एक्सप्लांट अंडर द कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट एंड एसेप्टिक कंडीशन, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कैलस कल्चर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आते हैं सब कल्चर ऑफ कैलस। सब कल्चर ऑफ कैलस मतलब क्या होता है, ये जो कैलस जो डेवलप हुआ है उस एक्सप्लांट से इस कैलस का जो है ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है इन द सेमी सॉलिड न्यूट्रिएंट मीडिया, ये कैलस फर्दर ग्रो होता है, डेवलप होता है उस न्यूट्रिएंट मीडिया में प्रेजेंट जो न्यूट्रिएंट है उसको यूटिलाइज करके। और क्या होता है, समय के साथ ये जो न्यूट्रिएंट है ये न्यूट्रिएंट डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाता है, मीन्स ये जो न्यूट्रिएंट का अमाउंट है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, साथ ही इस न्यूट्रिएंट मीडिया में जो प्रेजेंट वाटर है वो भी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, और डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस की वजह से क्या होता है, इस न्यूट्रिएंट मीडिया में टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स का भी अकुमुलेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से इस कैलस का ग्रोथ जो है वो भी डिक्रीज हो जाता है, या तो उस कैलस का ग्रोथ जो है स्टॉप हो जाता है। तो क्या करते हैं, इस कैलस के ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए इसका सब कल्चर किया जाता है। सब कल्चर मतलब कि इस कैलस के ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए उसको फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडिया में इसको ट्रांसफर करते हैं, तो उसी को हम सब कल्चर कहते हैं। तो क्या किया जाता है सब कल्चर ऑफ कैलस में, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ कैलस ग्रोथ, इस कैलस को लेते हैं, ये कैलस जो हमने एक्सप्लांट से डेवलप किया था, इस कैलस को लिया जाता है और इस कैलस को स्मॉल पीसेस में इसको कट कर लिया जाता है एसेप्टिकली, मीन्स एसेप्टिक एरिया में इसको, एसेप्टिक कंडीशन में इसको कट कर लिया जाता है स्मॉल पीसेस में, और ये जो स्मॉल पीसेस हैं कैलस के, जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स हैं, इसको हम फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडिया में ट्रांसफर करते हैं इन द कल्चर फ्लास्क, तो इसी को हम सब कल्चर कहते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है सब कल्चर इज द मेंटेनेंस ऑफ
ग्रोथ ऑफ फ्रेगमेंटेड कैलस इन द फ्रेश मीडिया इज कॉल्ड सब कल्चर। तो ये हो गया सब कल्चर के बारे में, मीन्स हम कैलस के ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए उसको फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडिया में ट्रांसफर करते हैं, उसी को सब कल्चर कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है रीजनरेशन ऑफ प्लांट फ्रॉम द कैलस। तो क्या किया जाता है, ये जो कैलस जो हमने डेवलप किया था, इस कैलस से क्या करते हैं, प्लांट को रीजनरेट कराया जाता है। तो किस तरीके से कराया जाता है प्लांट्स को रीजनरेट फ्रॉम द कैलस, बाय द टू मैथड। तो सबसे पहला मैथड है वो है ऑर्गेनोजेनेटिक मैथड और दूसरा मैथड होता है एम्ब्रियोजेनेसिस मेथड। तो क्या होता है ऑर्गेनोजेनेटिक मेथड, तो ऑर्गेनोजेनेटिक मेथड को समझाने के लिए हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया है। जैसा कि नाम है ऑर्गेनोजेनेटिक, इसमें हम ऑर्गन का डेवलपमेंट करवाते हैं, मीन्स कैलस से रूट और शूट का फॉर्मेशन किया जाता है, तो उसी को हम ऑर्गेनोजेनेटिक मेथड कहते हैं। तो क्या किया जाता है, ये जो कैलस जो हमने डेवलप किया है आफ्टर ट्रांसफरिंग इनटू द फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडिया, मीन्स कैलस के सब कल्चरिंग के बाद जो कैलस हम डेवलप करते हैं उसको हम फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडिया में ट्रांसफर करते हैं, और उस न्यूट्रिएंट मीडिया में ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का प्रॉपर कंसंट्रेशन लिया जाता है। और अगर उस न्यूट्रिएंट मीडिया में ऑक्सिन का कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द साइटोकाइनिन, तो कैलस में रूट का फॉर्मेशन होता है। और अगर उस न्यूट्रिएंट मीडिया में साइटोकाइनिन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द ऑक्सिन, तो उस कैलस में शूट का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का प्रॉपर कंसंट्रेशन लेके हम रूट और शूट का फॉर्मेशन करते हैं। तो क्या किया जाता है, ये जो कैलस जो डेवलप किया था हमने, इस कैलस को शूटिंग मीडिया में सबसे पहले ट्रांसफर करते हैं। शूटिंग मीडिया मतलब कि जिसमें साइटोकाइनिन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू द ऑक्सिन। तो शूटिंग मीडिया में ट्रांसफर करने से इस कैलस से क्या डेवलप होता है, शूट का डेवलपमेंट होता है। और शूट का डेवलपमेंट होने के बाद क्या किया जाता है, इस शूट को अलग किया जाता है, और इस शूट को अलग करते हैं, कट कर लिया जाता है विद द स्मॉल पोर्शन ऑफ द कैलस। और फिर क्या किया जाता है, इस शूट को फिर से फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडिया में ट्रांसफर करते हैं। कौन से न्यूट्रिएंट मीडिया में, उसको रूटिंग मीडिया में ट्रांसफर करते हैं, मतलब कि ऐसे मीडियम जिसमें ऑक्सिन का कंसंट्रेशन ज्यादा है। और ये जो शूट है, इस शूट को रूटिंग मीडिया में ट्रांसफर करने के बाद क्या होता है, इस शूट में रूट का फॉर्मेशन हो जाता है, मींस रूट और शूट दोनों का फॉर्मेशन हो गया, मींस ये किस में डेवलप हो गया, इनटू द प्लांटलेट। प्लांटलेट मतलब कि स्मॉल यंग प्लांट्स में ये डेवलप हो गया। तो किससे कराया हमने इसको, कैलस से डेवलप कराया। तो ये हो गया रीजनरेशन ऑफ प्लांट फ्रॉम द कैलस। और दूसरा मेथड होता है रीजनरेशन ऑफ प्लांट फ्रॉम द कैलस का, वो है एम्ब्रियोजेनेसिस। इसमें क्या किया जाता है, कैलस को प्रॉपर न्यूट्रिएंट मीडिया में उसको डेवलप कराया जाता है, ग्रो कराया जाता है, और इस कैलस में एम्ब्रियोइड का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। और ये जो एम्ब्रियो होता है, इस एम्ब्रियो से फिर डेवलप होता है प्लांटलेट्स का, तो इसी को हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। मीन्स कैलस से सबसे पहले एम्ब्रियोइड का फॉर्मेशन होता है और उस एम्ब्रियो से फिर प्लांटलेट का डेवलपमेंट होता है। तो ये हो गए टू मेथड बाय विच वी रीजनरेट द प्लांट फ्रॉम द कैलस, मीन्स ऑर्गेनोजेनेटिक मेथड एंड एम्ब्रियोजेनेसिस मेथड। तो ये हमने पढ़ लिया कैलस कल्चर के बारे में, मीन्स कैलस कल्चर क्या होता है और क्या क्या स्टेप्स होते हैं कैलस को ग्रो करवाने के लिए, और उस कैलस के ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए क्या किया जाता है, मीन्स सब कल्चरिंग की जाती है उस कैलस के ग्रोथ को करवाने के लिए, तो उसके बारे में हमने पढ़ा। और किस तरीके से उस कैलस से प्लांट को रीजनरेट कराया जाता है, तो उसके बारे में हमने पढ़ा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे सस्पेंशन कल्चर के बारे में, और इस सस्पेंशन कल्चर का ग्रोथ और उसका मेंटेनेंस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।